बिल्कुल प्लान यही था कि हम जो है मैं और काशिप भट्टी मिल के पार्टनरशिप बिल्डअप करें, तो उसमें हमें सक्सेस मिली और मतलब तकरीबन जितनी हमारी पार्टनरशिप हुई तक 150 के करीब हमारे 160 रन की पार्टनरशिप हुई, तो उसमें हम सक्सेसफुल हुए। यह पीछे से कोच साहब ने हमें मैसेज यही भेजा था कि पार्टनरशिप बिल्डअप करो, और वही हुआ जो मतलब हमने अंदर जाके अप्लाई किया और हमें सक्सेस मिला। देखिए हमारी टीम में ऑलमोस्ट वही लास्ट ईयर वाले लड़के हैं सारे, और कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। कोच साहब ने बड़ा अच्छा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है टीम का, और कोई मतलब वो नहीं है क्या कहते हैं आपके, कोई प्रेशर नहीं ऊपर से, बड़ा रिलैक्स माहौल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट देते हैं हमें अचीव ईजिली कर जाते हैं, इसीलिए आपको रिलैक्स में लगा हूँ अंदर कि बिल्कुल रिलैक्स माहौल था। ऑब्वियसली आप जब 4 से 5 विकेट शुरू में गिर जाती है तो आपको आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए शुरू में हमें प्लान यही दिया गया था कि आप आराम से खेलना, कोई ज़रूरत नहीं, अगर ओवर में 1-2-3 रन बनते हैं या मेडन ओवर होता है तो कोई इशू नहीं, एंड में हम कवर कर लेंगे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अपनी एबिलिटी का पता है कि मैं कवर कर सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। ये 1-to-1 मीटिंग हमारी हुई थी कोच साहब के साथ, तो उन्होंने ये प्लान दिया था कि लास्ट ईयर भी मेरे 625 रन किए थे मैंने, उन्होंने प्लान यही दिया था कि आप 625 को 800-900 रन में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो लास्ट ईयर मैंने 75-80 75-70 इस तरह किए, 4-5-50 किए मैंने, तो अब वो प्लान जो इंशाल्लाह मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जैसे आपके सामने है, कि प्लान यही है कि मैंने नॉट आउट ही रहना है चाहे जिस तरह के सिचुएशन हो, जिस तरह के हालात।